हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मैं बहुत दिनों बाद लेके आई हूँ एक DIY वीडियो और ये है DIY पॉट पेंटिंग आइडियाज़। यहाँ मैं आपको 5 डिफरेंट वेज बताऊँगी कि कैसे आप अपने घर में रखे हुए प्लास्टिक और क्ले पॉट को एक नया लुक दे सकते हैं। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला DIY है कलर ड्रॉपिंग मेथड। उसके लिए मैं ये ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक पॉट आता है उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं सबसे पहले एक वेट क्लॉथ से अच्छे से वाइप कर दूँगी ताकि कोई डस्ट उसमें ना रहे। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी वाइट कलर। यहाँ पे आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास ये एशियन पेंट्स का जो वाइट कलर का डब्बा आता है वो मेरे पास था, तो मैं उसे ही यूज़ करने वाली हूँ। और अगर आप ये कलर यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिएगा इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा कलर होता है, तो आपको थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। अब मैं वो कलर को अपने पॉट में लगाऊंगी। यहाँ मैं 2 कोट करूँगी। याद रखिए, अगर आप ऑयल कलर यूज़ कर रहे हैं, एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं या इस तरीके के कलर यूज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ में अगर आप 2 कोट लगाएंगे तो वो ब्रश की लाइनिंग्स नहीं आएगी और बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। नेक्स्ट मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी, जो ट्यूब कलर्स आते हैं, और उसके साथ मुझे चाहिए ऐसा सीरिंज जो कलर ड्रॉपिंग के लिए हेल्प होता है। अगर आपके पास ऐसा सीरिंज नहीं है तो आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, फ्लैट हो, राउंड ब्रश हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कलर थोड़ा सा लूँगी। यहाँ पे मैं ऑरेंज एंड ब्लू कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में वाटर ऐड करूँगी ताकि वो फ्लोई इफ़ेक्ट आए। नेक्स्ट मैं सीरिंज में थोड़ा सा कलर लूँगी और उसके बाद जो पॉट में मैं हल्के से प्रेस करूँगी तो इस तरीके से उसमें इफ़ेक्ट आएगा। इसमें आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। जैसे मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मैसअप हो गया है, बट बाद में अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है, आपको उसमें लाइन परफेक्ट होना की कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आप किस तरीके से ब्रश में भी कर सकते हैं। सेम अमाउंट ऑफ कलर लीजिए और हल्के से प्रेस कीजिए तो इस तरीके से फ्लो पैटर्न आएगा। जब कलर अच्छे से सूख जाए आप इसके अंदर कोई भी इंडोर प्लांट ऐड कर दीजिए और घर के अंदर सजाइए, क्योंकि इसमें वाइट कलर है तो अगर बाहर रखेंगे तो वो डर्ट और सन एक्सपोज से थोड़ा कलर फेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मैं भी इसे अपने इंडोर प्लांट्स के लिए यूज़ कर रही हूँ और देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 2। यहाँ पे मैं सेम ब्लैक कलर का प्लास्टिक पॉट यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैं वाइट कलर ऑलरेडी पेंट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट, इस तरीके के वॉशी टेप मार्केट में ईजीली अवेलेबल होता है, तो उसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न बनाने के लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी डायमेंशन बना सकते हैं, क्रिस क्रॉस बनाना चाहते हैं या कोई फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं, आप वो बना लीजिए। कुछ इस तरीके का मेरा पैटर्न दिख रहा है। अब मैं इसके अंदर कलरिंग करूँगी। जहाँ पे भी वाइट कलर है वहाँ पे मैं ऑरेंज कलर से फिल कर दूँगी। अब अच्छे से सूखने के बाद मैं ये टेप्स को निकालूँगी। ये काफ़ी सेटिस्फाइंग भी लगता है और देखिए कितना सुंदर पैटर्न हो गया है। और अगर आपके ऐसे कुछ कुछ मार्क्स रह गए हैं आप उसे वाइट कलर से रीटच करके ठीक कर सकते हैं।
और ये बन गया हमारा DIY नंबर 2। कितना इजी और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। आर थर्ड DIY इज़ अ बोहेमियन स्टाइल। यहाँ पे मैं मंडाला आर्ट करूँगी और इसे मैं ये बैम्बू बास्केट में बनाऊँगी। बैम्बू बास्केट को अगर आप इंडोर प्लांट डेकोरेशन में यूज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं इसे वाइट कलर से अच्छे से पेंट कर दूँगी। कलर अच्छे से ड्राई हो जाए उसके ऊपर मैं ये पिंक कलर का शेडिंग की हूँ और इसके ऊपर ही मैं स्केच पेन के हेल्प से मंडाला आर्ट बनाऊंगी। इस वीडियो में जितना भी मैं पॉट पेंटिंग्स का मैं आइडियाज़ दिखा रही हूँ, अगर आप इसे इंडोर प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बाहर का वो डस्ट पोल्यूशन एंड वो सन के वजह से कलर फेड हो जाएगी। तो अगर अच्छा होगा आप इन सब पॉट्स को इंडोर प्लांट्स के लिए यूज़ करें। तो ये हो गया फाइनल लुक। आपको फ्लावर्स के पैटर्न्स थोड़े इधर उधर लगेंगे क्योंकि ये बैम्बू बास्केट में बना हुआ है, लेकिन अगर आप अपने घर को बोहेमियन लुक देना चाहते हैं तो इस तरह के ये DIY काफ़ी इजी एंड अफोर्डेबल होता है। नेक्स्ट DIY मैं क्ले पॉट के ऊपर बनाऊंगी। इस तरीके के क्ले पॉट आप सबके घर में होता है। इसे आप अच्छे से वाइप कर दें, अगर कहीं से अनइवन है आप सैंड पेपर से उसे रब कर सकते हैं, बट मेरा सब ठीक ठाक था तो मैं उसे नॉर्मल कपड़े से वाइप करके उसके ऊपर डायरेक्ट पेंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ये ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लू कलर का डब्बा एशियन पेंट्स का है जो मेरे पास ऑलरेडी था। इसमें मैं पानी ऐड करके नॉर्मल कलरिंग कर रही हूँ। इसे भी यहाँ पे मुझे दो कोट करना पड़ा था। जब कलर अच्छे से सूख जाए उसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप बना दें। मैं यहाँ पे पहले पेंसिल से दो आउल बना रही हूँ। अगर आपका फ्री हैंड ड्राइंग में आप परफेक्ट है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। मेरा थोड़ा सा झोल है तो मैं पहले पेंसिल से बना रही हूँ, उसके बाद पेंट करूँगी। अब मैं कलर भरना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं स्केच पेन से इसमें सारे मैं आउटलाइन भरूंगी। और ये बन गया हमारा क्यूट सा आउल वाला पॉट पेंटिंग। इस तरह के पेंटिंग हम लोग स्कूल में SUPW में करते थे। ये करके मुझे उन दिनों की काफ़ी याद आई। आप इस तरीके के एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होता है। एंड आवर लास्ट एंड फाइनल DIY इज वर्ली आर्ट पेंटिंग। यहाँ पे मैं सेम क्ले पॉट यूज़ कर रही हूँ और उस पे रेड कलर से मैं फिल कर रही हूँ। आप यहाँ पे ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे रेड कलर में वर्ली आर्ट ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मैंने बताया, मैं पहले पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ मुझे किस तरह की पैटर्न चाहिए, उसके बाद मैं वाइट कलर से उसके अंदर फिल करूँगी। यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ।
और हमारा 5th DIY भी रेडी है। ये था ब्यूटीफुल आइडियाज़ फॉर पॉट पेंटिंग्स। आई होप आप सबको अच्छा एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको मेरे कंटेंट एंड वीडियोस पसंद आते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।